गंगा कहती है लक्ष्मी तुम मुझ पर हंसी है, सरस्वती कहती है तूने मुझे नदी का बेग बनाया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पौधा बनेगी, तू वृक्ष बनेगी। वो वृंदावन कर तुलसी बनी है, तुलसी का पौधा लक्ष्मी का ही स्वरूप। पार्वती जी आ गई, क्या हुआ क्या ये बताओ क्या बात है। पार्वती जी, इसने मुझ पर हंसा है, गंगा जी कहती है, सरस्वती कहती है मुझे श्राप दिया है इसने, लक्ष्मी क्रोध आया। माँ पार्वती बोली क्या क्या है ये तुम्हारा विवाद, रुको जरा, आपस में तुमने क्रोध कर एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, पर भान करो कि कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती है 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनी है लक्ष्मी वृक्ष और पौधे की, अगर तू पृथ्वी पर जाकर एक बार वृक्ष बन गई तो 20 लाख बार तुझे वृक्ष की ही योनि प्राप्त करना है। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जिससे मैं एक बार में 20 लाख योनि से छूट जाऊं, वो क्रम हो सकता है? मान लो 20 लाख योनि से मैं एक बार में छूट जाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है? पार्वती जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो मेरे महादेव ही बता सकते, क्योंकि भगवान शंकर ये कैसे हैं जो कितनी योनियों से किसको मुक्त कर सकते हैं, किसको कब क्या दे सकते हैं, ये शंकर ही जान सकता। आपको पहले भी कहा भगवान विष्णु देंगे तुम्हारे कर्म में जितना लिखा उतना देंगे, ब्रह्मा जी देंगे तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा उतना देंगे, महादेव जब देंगे तो कर्म और भाग्य नहीं देखते, उन्होंने देखा कि दुखी शिव जी से करिए, बोले बाबा कृपा करिए, ये लक्ष्मी पर कृपा करो, ये गंगा मैया पर तो आपने करुणा करी है कि ठीक है उसका नाम आपके नाम के साथ आएगा, अस्थियां डलेंगी तो भी तर जाएगी, तो ये लक्ष्मी पर कृपा करो, पौधा बनेगी वो, उसको तुलसी का क्यारा बनना है, उसके बाद उसका वृक्ष का जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जो तुलसी के क्यारे के रूप में प्रगटी है, उसकी मंजरी को जो द्वादशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर देगा तुलसी, उसके बाद कभी दूसरे वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगी, वो एक ही रूप धारण कर मोक्ष पा जाएगी, अगला वृक्ष का जन्म नहीं होगा, क्योंकि 84 लाख में से 20 लाख योनि वृक्ष की, और वृक्ष की योनि पाना और उसको भोगना सबसे कठिन काम। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाया है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, बोलो जम के जरा, तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, मंजरी को उतार देना, मंजरी को उतार देना। तुलसी कहती है कि मेरे सिर पर जो मंजरी लगी हुई है, ये जो तुलसी के पौधे में जो मंजरी लगी है, इसको उतार दो, भगवान को चढ़ा दो, मेरे ऊपर मत रखो, रखोगे भार होगा मेरे ऊपर, इसको उतारो और भगवान को दो।